वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, चेकआउट होएगा क्योंकि आज की प्लेन है, बोर्डिंग है 11:45 कुछ का, 2:05 के पहुँच जाऊँगा अपने दिल्ली। तो ब्रेकफास्ट तो आ गया अपना, ब्रेकफास्ट करते हैं। एयरपोर्ट पर रोहित लेन आएगा क्योंकि मेरी गाड़ी का अभी तो खड़ी कर रहा है वो इंश्योरेंस के लिए, और बाकी जो बाहर का काम कराया है वो तो बाहर ही करवाएंगे। तो देखते हैं, पहुँच के दिखाऊंगा आपको एयरपोर्ट पे। तो चलेंगे, पहुँच गए एयरपोर्ट, अब वो करवा रहे हैं बोर्डिंग के लिए चेकिंग। तो अब चलते हैं फिर अंदर बोर्डिंग पास दिखा के। तो भाई अपना बोर्डिंग पास निकाल रहा हूँ। ये तो गो फर्स्ट है को, अभी मैं घबरा गया कि टर्मिनल वन पे आके ऐसे दिखा रहे टर्मिनल टू पर। फिर बातचीत करी तो ऐसे कह रहे गेट 28 पे ही आएगी, ये अभी अपग्रेड नहीं हुआ, ये अपग्रेड होएगा उसके बाद दिखाएगा। तो अब अपना चेकिंग करने जा रहे हैं टर्मिनल वन पे ही। बोर्डिंग पास ले लिया है, अब जा रहे हैं गेट नंबर 28 पे। ये फ्लाइट रही सारी गो फर्स्ट इंडिगो, ये सब वेट कर रहे हैं, हमें वेट करना। ये कितने बजे की है, 11:45 पर डिपार्चर होएगा और बोर्डिंग है 11 बजे की। तो अब जा रहे हैं, दूर आ गया अभी गेट नंबर 26 पर ही पहुँच जाऊँगा, बहुत बड़ा है। और डोमेस्टिक T3 पर और उतरना है, वो और बड़ा है। टर्मिनल वन मुंबई का तो ये तो बहुत बड़ा है भाई, चढ़ेगा मेरे को 29 से 31 यहाँ दिखा दिया, अभी 27 से 28 हो रहा। फाइनली अपना 28 ही है। फाइनली पहुंच गए हैं अपने टर्मिनल 28 पे। टाइम तो हो गया, अब देखो कितनी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होएगी। अभी क्या नाम है, 20 मिनट बच रही है बोर्डिंग के लिए, 11 ही बजे अभी, और 11:45 पे डिपार्चर है। 2:05 पे पहुंचा देगी मेरे को दिल्ली। उन पे भी मैंने भेज दिया, वो कह रहे हैं कि आ तो जाएंगे, पर ऐसे कह रहे हैं कि एम्बुलेंस तक आ जाइए, जाम लग रहा है। देखो उन्हें मनाना पड़ेगा, बाबू जी है, देखते हैं फिर क्या सिस्टम है। तो भाई फाइनली अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लंबी लाइन लग गई, तो लेट होगी बोर्डिंग। 11:45 ही कह रहे थे, 12 तो यही हो जाती है, लेट हो जाएगी। तो आपको दिखाऊंगा मैं आगे फ्लाइट में बैठ कर, अकेला ऐसे जा रहा हूँ, मन और नहीं लगेगा, 2 घंटे अकेले क्या करूँगा। पर एक चीज़ है, विंडो वाली सीट है बाहर, देख कर नज़ारे बताऊँगा आप लोगों का। तो चलते हैं फिर। और भाई मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया खड़ी है, चिल्ला नहीं सकता, तो सुन जाइयो आवाज़। वैसे तो मैं पूरी फुल आवाज़ कर दूँगा, तो सुन लेना, धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया खड़ी है, अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने तेज चिल्लाता रहूँ। तो अब बस आ गया मेरा भी नंबर, बोर्डिंग करके फिर अंदर घुसते हैं, फिर बाय बाय कर देते हैं मुंबई को, अपने दिल्ली बढ़िया है भाई। तो भाई फाइनली मैं तो अपनी 10A सीट पे बैठ लिया हूँ, बगल में अभी तक तो कोई आया नहीं है, देखता कौन आता है कौन नहीं आता है। ये अपने इंडिगो बाय बाय मुंबई कर दिया है, देखो साइड में कोई आता है क्योंकि अभी बोर्डिंग चली रही है, अभी कोई आया तो है नहीं, देखते हैं फिर कौन आएगा। तो अब आपको बीच में दिखाऊँगा मैं व्यू, फिर आपको दिल्ली मिलते हैं रोहितर के साथ, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। गोली तो वो देता ही है, झूठा तो है ही वो, फिर देखते हैं। बोर्डिंग ही कंप्लीट होगी, कोई आया ही नहीं है मेरे साइड में, खाली पड़ी है प्लेन, कोई है ही नहीं। मैं तो वैसे ही बोर हो जाऊँगा, मैं सोच रहा तो कोई आएगा बात कर लूँगा, 2 घंटे अब क्या करूँगा। वैसे यहाँ वो लगी रहती है, स्क्रीन लगी रहती है, इंडिगो में तो स्क्रीन भी नहीं है, विस्तारा में तो चलो स्क्रीन भी लगी रहती है। अब 2 घंटे तो बहुत मुश्किल से कटेंगे मेरे, 2:05 पे लैंड करेगी, 12:05 या 10 हो रहे हैं अभी, कोई भी नहीं है। चलो अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, 2 घंटे कैसे काटूंगा कैसे नहीं काटूंगा। मैं तो सोऊंगा भाई बढ़िया 2 घंटे,
बीच में उठ गया तो कुछ दिखा दूंगा, नहीं तो सो के आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिलूंगा। पर्सनल प्लेन बुक करी है मैंने, आज प्राइवेट जेट में जा रहा हूँ मैं। ये देख लो खाली बैठे, ये तो दो चार ही ऐसे बोले कि भाई बैठा ले, हमें भी जा ही रहे हो तो ये और वो, एक घंटे 40 मिनट की कह रहे हैं। कप्तान मेलविन और सर कप्तान यश वर्धन के साथ 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। 30,000 फीट की ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। तो भाई मेरा तो रहा छोड़े का टाइम, इन्हें बोलते रहें बस। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपकी सुरक्षा से। भाई मैंने तो टाइम पास के लिए अपने दो गेम डाउनलोड कर लिए, वो फ्लाइट बस उड़ने वाली है अब, ये रूल्स बता रहे हैं तो सही है, अपने टाइम तो पक्का पास हो जाएगा खेलते खेलते। बोर तो नहीं होना पड़ेगा, सो भी लूँगा, ये सारे काम भी कर लूँगा, फिर देखते कर पाऊँगा। भाई 12:30 बजे अभी तक रनवे फ्री नहीं हुआ था, अब रनवे फ्री हुआ है तो अब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हुई है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई, इतनी देर से रनवे बिजी चल रहा था, गोल गोल घूम रहे थे ऐसे, नीचे कभी खड़े थे कभी ऐसे ही घूम रहे थे। अब होएगा स्टार्ट, तो अब टेक ऑफ के लिए रेडी हुई है फ्लाइट। भाई मैं तो सो गया था, अभी नहीं उठाया क्योंकि आज ना खाना आया, पनीर टिक्का सैंडविच आ गई। अब यहाँ पहुँच के देख लो, कुछ भी खास नहीं है इतना। भाई मेरे को तो बहुत सर्दी लग रही है प्लेन में, कब कभी छट रही है, एसी भी सारे बंद कर रखे हैं, फिर भी ये पता कि वो कल मेरे ही साथ में ना दिक्कत थी, तो वो पूरी रात से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं नहीं पता एक बार लगती थी इसमें ऐसे ऐसी मजाक में, तो अभी ये पेन कर रहा था पूरी रात नहीं सो पाया, इस वजह से आग भी ऐसी हो रही है और बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, इसकी वजह से बुखार ना आ जाए मेरे, दिक्कत ये है। बहुत भयंकर सर्दी लग रही है, फिर रूम सारे आगे पीछे कोई है नहीं, सबके एसी अपने बंद कर रखे हैं, फिर भी सर्दी लग रही है बहुत तेज। जल्दी से पहुँचा दे प्लेन, आज तो 1 बजा है, 1 घंटे का रास्ता हो रहा है, तो फिर कह भी गर्मी वहाँ जा कर तो बहुत चढ़ाया मर गया भाई मैं तो। अभी नहीं कुछ खास लोकेशन तो है नहीं, कुछ पहाड़ पोड थोड़ी सी दूर ऐसी ऊंचाई पर उठ रही है, नीचे से कोई पत्थर मार दे तो टिक जाए, ज़्यादा ऊंची भी नहीं उठ रही। तो भाई आपको एयरपोर्ट पे ही मिलूँगा, कैब कर गई। थैंक्स कॉल घर चलते यार, रात दिक्कत हो गई, रात में बहुत तगड़ी दिक्कत हो गई यार, मेरे हिसाब में दिक्कत चल रही है कई दिन हो गए, दिखा के भी आये हो और अब
भाई बाबा का नाम लेते प्रसाद पुरुषोत्तम बोलते सुन लो गाड़ी का प्रसाद बोलवाना ही पड़ेगा भाई सुन नजर लग रही है भगवान कसम नजर लग रही है भाई सुन एक बाबा तुम एक उस लोग काट दन एक बता फिर बता कोई ना बता भाई बताओ ना मुंबई देख लो सच्चाई देख लो अब बीत रही है कहाँ कहाँ और 100% स्पीड में भी होगी गाड़ी लेफ्ट ले तीस इक्कीस स्पीड में इतना नुकसान तो ना हुआ यार भाई लड़न लग रहा था यार तेरी खातर चल एक कोल्ड कॉफी चलो तो भाई चलो मैगडी चलो ठीक है और वो क्या कहते हैं वहाँ भी जाएंगे दिल्ली में कौन से जाए वो कौन सी जगह जाएगा तो फाइनली कई दिन बाद अपने भाइयों से मिला हूँ बढ़िया लगा बढ़िया बहुत याद आई भाई अकेला आया हूँ भगवान कसम फ्लाइट में ना साइड में कोई ना आगे कोई ना पीछे कोई अकेला थोड़ी देर गेम खेला थोड़ी देर सोयो तो भाई अकेला तो बोर होगा 100% बहुत 2 घंटे की फ्लाइट यार फोन स्विच ऑफ सब कुछ काम मैंने तो सुन स्टार्ट होने तो पहले ही सबवे सर्फ डाउनलोड कर लिया एक मूवी और डाउनलोड कर ले तो आराम तो बढ़िया चलते हैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाऊं लो तो भाई रोहित की तरफ से पार्टी चल रही है आज बहुत बहुत धन्यवाद भाई ये लो रोहित स्ट्रो तो दे दे इनकी दे दो भाई 3 बस यही ऑर्डर तो भाई यही दोगे भाई ऑर्डर तो ले लिया है हमने अब जाऊंगा घर मम्मी से भी मिले 3-4 दिन हो गए मम्मी बार बार फोन कर रही है कहाँ लिया फाइनली घर आ गया मम्मी हाँ भाई आई याद 2-4 दिन में बहुत ज्यादा अरे झूठी तो अब आ गए अपने घर पे अब देखते हैं क्या करते हैं मैं एक बार बाहर जाऊंगा चन्नू और बुला रहे हैं वो वेट कर रहे हैं पहले कपड़े चेंज करूंगा नहाऊंगा थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा थोड़ी देर रेस्ट करूंगा फिर उठ के दिखाता हूँ आपको तो मैं घर आके ना सो गया था एक बार बाहर गया था फिर आके मैं सो गया था व्लॉग एंड नहीं करा आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ही एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ आपको अगले हफ्ते बताऊंगा मैं क्या रहा क्या नहीं रहा ऑडिशन का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ देखते हैं भगवान के ऊपर मैं तो अपना बेस्ट दे के आया था देखा होगा आपने पिछले व्लॉग में तो अंटिल सब्सक्राइब माय चैनल